देख सकते हो अब हमारी मोटर हमने फिटिंग कर ली है अच्छे से और उसको क्लीन भी कर लिया है अच्छे से। यहाँ पे मैंने सब स्क्रू वगैरह सब इसके टाइटन कर दिए और इसमें अच्छे से ऑयलिंग ऑयलिंग हमारा हो चुका है। अब पहले जो हमारी प्रॉब्लम थी जिसमें रीडिंग्स नहीं आ रही थी, अब उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद फाइंड आउट किया हमने प्रॉब्लम को और उसको सॉल्व करने के बाद अब देख लेते हैं इसमें रीडिंग आ रही है या नहीं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक प्रोब लगा दिया इसके निगेटिव में, ये देखिए इस तरह से ब्लैक वाला प्रोब लगा रहे, लगा दिया। और अब हम ये जो रेड प्रोब है इसको इसके ऊपर टच करेंगे और देखेंगे रीडिंग्स आ रही है नहीं। मेरे हाथ में कैमरा है तो आप समझ सकते हो मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है यहाँ पे काम करने में, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, मैंने इसको अच्छे से अडेट किया अभी और ये मेरा रेड प्रूफ है। अब मैं आपको रीडिंग दिखाता हूँ, ये देखिए इसको यहाँ पे मैं रख देता हूँ ताकि आप अच्छे से देख सको। और अब मैंने इसको रेड को टच किया, ये देखिए अब हमारी रीडिंग्स आ रही है। ओके, तो मैंने अभी आपको ये देखिए मल्टीमीटर से भी मैंने आपको अच्छे से ये देखिए टेस्ट करके दिखा दिया रीडिंग्स आ रही थी जो पहले नहीं आ रही थी। ब्रॉट टू यू एंड पावर्ड बाय स्टबन क्यूरियस। तो ये आज का जो वीडियो है ना, ये इस मोटर के ऊपर है। मैं कल इसको स्टार्ट कर रहा था और स्टार्ट नहीं हो रहे थे, पहले चल रही थी अच्छी लेकिन अचानक से बंद हो गई और घूमना बंद कर दिया इसने। तो ऐसे स्टेज पे, इनिशियल स्टेज पे हम इसको कैसे चेक कर सकते हैं कि कहीं इसका वायर कहीं टच तो नहीं हो रहा या फिर कुछ क्या गड़बड़ है इसमें, कैसे पता करेंगे हम, वही आज इस वीडियो में हम देखने वाले आज के। और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसे खोल भी लेंगे और देख लेंगे कुछ इंटरनल इसकी कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है। तो इसको चेक कैसे करना है वो हम आगे वीडियो में देखते हैं। चेक करने के लिए ना हमारे पास में इस तरह का एक मल्टीमीटर होना चाहिए। मल्टीमीटर से हम इसको चेक कर सकते हैं, सीरीज बल्ब से भी कर सकते हैं, लेकिन वो मैं फिर किसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि सीरीज बल्ब से कैसे चेक करना है अगर आपके पास मल्टीमीटर नहीं है तो। लेकिन हम सबसे पहले मल्टीमीटर से देख लेते हैं, उसको बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं। और उसके लिए हमें मल्टीमीटर को सेट करना पड़ेगा, ये देखिए मैं सेट कर रहा हूँ इसको। ओके, 2000 ओम्स पे यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे हमें अभी कुछ रीडिंग नहीं दिख रही, यहाँ पे वन दिख रहा है हमें। और अब हम इसको चेक करेंगे, इसका एक सिरा ले लेंगे वायर का और इसको इस पे इस तरह से लपेट देंगे। ठीक है, और दूसरा सिरा लेंगे, दूसरे सिरे को ऐसे यहाँ टच करेंगे, देखिए हमें कोई रीडिंग नहीं मिल रही है, यहाँ पे कोई रीडिंग नहीं आ रही है, मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इसमें। और उसके बाद हम इसको एक्सचेंज भी करके देख लेंगे, यानी ब्लैक प्रोब को हम इधर ले लेंगे और रेड प्रोब को हम यहाँ लगाएंगे, फिर भी हमें कोई रीडिंग नहीं मिल रही है, ये देखिए कोई रीडिंग नहीं मिल रही है। अच्छे से इसको मैं पकड़ लेता हूँ, देखिए कोई रीडिंग नहीं मिल रही है मुझे, मतलब कुछ तो गड़बड़ है इसमें। और अब इसको प्रूव करने के लिए मैं आपके पास ये जो अच्छी रनिंग कंडीशन में मोटर है ना इसको दिखाऊंगा, क्योंकि ये अच्छी चल रही है और रनिंग कंडीशन में आपको प्रूव करने के लिए हम इसको भी टेस्ट करेंगे ताकि आपको यकीन हो कि ये टेस्टिंग काम करती है। तो इसके लिए मेरे पास एक केबल है, इसको देखिए मैं इसको चेक करूँगा अभी, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे रीडिंग के लिए मैं यहाँ पे रख देता हूँ इसको। और ये मोटर आपके सामने है,
करना है इसको, चेक करवाता हूँ आपको इस तरह से। मुझे यहाँ रखना पड़ेगा इसको, तो मैं पैर का इस्तेमाल करूँगा क्योंकि मेरे हाथ में एक हाथ में यू नो कैमरा है, तो मैं इस प्रोब को इस तरह से इसको टच करवा देता हूँ पैर की मदद से। ठीक है, ये देखिए आप देख रहे हो, और एक को मैं यहाँ इधर टच करवाऊँगा, इधर टच करवाऊँगा। देखिए जैसे ही मैं टच करवा रहा हूँ ना, ये देखिए कुछ तो रीडिंग आ रही है इसमें, है ना। तो ये जो रीडिंग आ रही है देखिए कम कम होते जा रही है रीडिंग, इसका मतलब ये मोटर हमारे अच्छी कंडीशन में। देखिए मैंने रेड वाला जो प्रोब था ना वो यहाँ लगाया था, कहाँ पॉजिटिव में। ओके आपको तो दिखा दो, ये देखिए पॉजिटिव, फिर से मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए पॉजिटिव में लगा दिया था। ओके और इसको मैंने होल्ड किया था इस तरह से। ओके और ये इस तरह से, और इसका नेगेटिव मैंने ब्लैक प्रोब लगा था नेगेटिव में, ये देखिए तो रीडिंग आ रही है। हमें रीडिंग मिलनी चाहिए, कुछ ना कुछ रीडिंग मिलनी चाहिए, उससे हमें पता चल जाएगा। तो बड़ा आसान तरीका है इसको चेक करने का। तो हमने इसका टेस्टिंग तो कर लिया और हमें पता चला कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है, तो इसको ओपन करने वाले अभी अब। चलिए इसको ओपन करते हैं। आपने देखा कि हमने मल्टीमीटर की मदद से इसको यू नो ठीक है इसका डायग्नोसिस, इसका एनालिसिस कैसे किया कि ये रनिंग कंडीशन में है या नहीं है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है इसमें। तो ये मल्टीमीटर से आप इतनी आसान तरीके से और इतनी ईजिली आप आइडेंटिफिकेशन और इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो इस प्रॉब्लम को, और प्रॉपर इन्वेस्टिगेट कर सकते हो कि हाँ यार इसमें कुछ गड़बड़ है, ऑन क्यों नहीं हो रही। तो हम इसमें ये टेस्टिंग करने के बाद में हम श्योर हो जाएंगे कि हाँ सही में इसमें एक तो केबल में कुछ गड़बड़ हो सकती है, या फिर इंटरनली कुछ गड़बड़ हो सकती है, इसकी वाइंडिंग में भी कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो चलिए इसको ओपन करके देखते हैं। ये जो पंप है ना हमारा, ये टुल्लू पंप है। अभी मैंने इसकी रस्सी जो है पास थी, जो हैंडल था वो हटा दिया, और सबसे पहले हम लोग ये जो दिख रहा है ना आपको ये स्क्रूज लगे हुए, इसको हम ओपन करेंगे और देख लेंगे कि इसकी जो व्हील होती है ना, सर्कल व्हील जो पानी को घुमाती है और ऊपर फेंकती है इनलेट आउटलेट, इसको ओपन करके देख लेंगे कि इसमें कहीं कुछ फंसा अटका कुछ तो नहीं है, उसकी वजह से तो ये स्टार्ट नहीं हो रही है, फिर कुछ गड़बड़ नहीं। सबसे पहले यहाँ देख लेंगे, अपने मल्टीमीटर में तो चेक कर लिया है कि इसमें रीडिंग नहीं आ रही है वाइंडिंग की, लेकिन फिर भी हम कुछ बेसिक चीज़ें हैं जैसे इसका वायर आपस में टकरा तो नहीं रहा, कहीं शॉर्ट तो नहीं हो रहा है, अंदर से भी हम वायर को चेक कर लेंगे, फिर भी एक यू नो एक जो होता है ना जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट जो भी इसका डायग्नोज है वो करना ज़रूरी है। तो इसको ओपन कर लेंगे कवर, मैं इसको ओपन करता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ। हम लोग देख पा रहे हैं, देखिए ये स्क्रूज़ इतने आसानी से खुलते नहीं थे, तो मैंने इसका बोर्ड यहाँ से अलग कर दिया है। देखिए इसका ये स्टैंड है ये भी अलग कर दिया, और इसी बहाने हमारा इसका मेंटेनेंस भी हो जाएगा क्योंकि ये बहुत सालों से खुली भी नहीं थी ये मोटर। ओके तो हमने इसको भी खोल दिया है, अभी मैं ये स्क्रू हटा दूँगा आसानी से। मैंने इसको टाइट थे अच्छे उसको निकाल दिया, देखिए इस तरह से सारे निकाल लेता हूँ मैं और आपको दिखाता हूँ इसका स्ट्रक्चर, और फिर हम देखेंगे गड़बड़ कहाँ है। वाइंडिंग में लग रही है मुझे, लेकिन फिर भी बार कंफर्म कर लेंगे हम लोग फिर से खोल के। तो मैंने इसका ये आगे का देखिए ये कवर मैंने निकाल दिया, और हम एक कपड़ा भी ले लेंगे साथ में ये देखिए, और हम लोग इसका क्लीनिंग भी करेंगे, ओपन भी करेंगे इसको और इसका क्लीनिंग भी करते जाएंगे। तो ये देखिए ये अच्छे से घूम तो रही है, यहाँ घूम रही है अच्छे से। हमें इसका भी अंदर से खोल के इसका प्रॉब्लम डायग्नोस करना है, तो आगे मैं इसको भी ये जो दिख रहे हैं ना आपको बोल्ट्स ये खोल लेता हूँ मैं, और इसको ओपन करने के बाद मिलता हूँ आपको। ओके यहाँ पे मैंने वायर अच्छे से चेक किए, फिर मल्टीमीटर से भी चेक किए,
और फिर हमें प्रॉब्लम डिटेक्ट हो गई यहाँ पे, तो हमने प्रॉब्लम डिटेक्ट कर लिया। मैं इसलिए आपसे बोलता हूँ कि हर बार मल्टीमीटर ही आपको सही जानकारी नहीं देता है, यू नो, और कभी कभी हमें मेंटेनेंस भी ज़रूरी होता है चीज़ों का। इसलिए बोलता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी और ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी जिसमें हर बार वाइंडिंग चलती है या फिर प्रॉपर डायग्नोज करने के बाद भी मल्टीमीटर से हम धोखा खा जाते हैं। तो देखिए, प्रॉब्लम ये थी, यहाँ पे हमारी मोटर बुक आवाज़ कर रही थी यहाँ पे, जब हमने वायर्स को अच्छे से चेक किया तो अब मेरे ध्यान में आया कि ये देखिए जो हमारा वायर है यहाँ पे, ये देखिए, ये जो है ना इसका कनेक्शन, ये देखिए यहाँ पे ये दिखा आपको निकला हुआ है। अब हम इसको अच्छे से कनेक्ट करेंगे और फिर इसको मोटर को चेक करेंगे। चेक करके मैं आपको दिखाता हूँ कि ये रन कर रही है नहीं कर रही है। तो मल्टीमीटर ने हमें बताया था कि वाइंडिंग में कुछ प्रॉब्लम है, कभी कभी हम धोखा खा जाते हैं, हो सकता है वायर भी लूज़ हो इसलिए हमें रीडिंग्स नहीं मिल रही हो, तो उसमें उसका भी कोई दोष नहीं है, बाहर से हमें पता नहीं चलता, इसलिए हमें इसको ओपन करना ज़रूरी होता है। अब मैं इसको पहले अच्छे से कनेक्ट कर लेता हूँ और इसका टेस्टिंग आपको दिखाता हूँ, फिर हम इसको फिर से असेंबल कर लेंगे वापस से, ठीक है। इसको छील के लगाने के बाद आपको मिलता हूँ मैं। ओके, तो चलो अब इसकी टेस्टिंग करते हैं हम, और अब मैं जो करने जा रहा हूँ ना वो आप करना मत, ठीक है, सेफ्टी का ध्यान रखना, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये कर रहा हूँ। तो मैं देखिए यहाँ पे एक वायर लगी हुई है हमारी और दूसरा वायर जो है मैं अभी इसमें इंसर्ट करूँगा और आपको मोटर का टेस्टिंग करा के दिखाऊँगा। ये देखिए, ठीक है, ये करना मत, ये बड़ा डेंजरस है, इस तरह से मत करना, प्लग ला के करना, सेफ्टी का ध्यान रखना आपको। तो देखिए हमारी मोटर जो है ये चल रही है, आप आवाज़ सुन सकते हो। ओके, तो हमारे यहाँ पे प्रॉपर टेस्टिंग हो गई है, तो मैंने अभी यहाँ से वायर हटा दिया, हमारा मोटर भी अभी बंद हो गया। तो इसलिए मैं हर बार आपको बोलता हूँ कि हर बार मल्टीमीटर से टेस्ट करने के बाद आपको परफेक्ट डायग्नोसिस इसका नहीं पता चलेगा। ओके, बहुत सी इसमें प्रॉब्लम्स होती है, कुछ अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है, हमें उसको प्रॉपर डायग्नोस करना पड़ता है। हमारे चैनल पर आपको ऐसे ही प्रॉपर डायग्नोसिस देखने को मिलेगा और हमने उसी तरह से इसको डायग्नोस किया, तो हमें इसका जो वाइंडिंग का जो नस था उसको भी खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी और हमारा प्रॉब्लम यहीं से वायर्स में गड़बड़ी होने की वजह से सॉल्व हो गया। और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगले वीडियो में आपसे मिलता हूँ। और इसको मैं अभी बंद कर देता हूँ, अच्छे से फिटिंग कर लेता हूँ, हमारा ये यहाँ पे कवर पड़ा हुआ है देखिए इसका नीचे का स्टैंड, तो हमारा भी आज की वीडियो में दोनों भी काम हो गया इसका अच्छे से। ये 18 साल पुराना मोटर है, मैं आपको बता दूँ, इसको हमने अच्छे से खोला भी और पहली बार खुला है, इसको क्लीन भी कर लिया हमने अच्छे से। अब इसमें हम थोड़ा जहाँ ऑयलिंग की वगैरह ज़रूरत होगी वहाँ ऑयलिंग कर लेंगे और इसको अच्छे से फिट कर लेंगे जैसे पहले था। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय। लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टबर्न क्यूरियस।